श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच मैया वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हरे कृष्ण।